प्रदेश की सुख सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में कुछ एक जिलों के स्टोन क्रशर पूरी तरह बंद करने के आदेश के करीब डेढ़ महीने बाद क्रशर उद्योग संघ सामने आया है और सरकार से इस मामले को रिव्यू करने की मांग उठाई है। संघ का मानना है कि एक तरफ जहां सभी क्रशर बंद होने के चलते तमाम विकास और निर्माण कार्य ठप होकर रह गए हैं, वहीं दूसरी तरफ इन उद्योगों से जुड़कर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले करीब 70,000 लोग बेरोजगारी के मुहाने पर आ गए हैं। इसके चलते संघ क्या करने जा रहा है, देखें ये रिपोर्ट। हिमाचल में जो पिछले कोई डेढ़ महीने से स्टोन क्रशर यूनिट बंद है, मंडी, ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, पांच डिस्ट्रिक्ट, जिससे हिमाचल की 70% के करीब पॉपुलेशन पे असर पड़ रहा है। आम पब्लिक को घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, डंगे लगाने के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री जी से हमारा ये निवेदन है कि हिमाचल ही हिंदुस्तान में एक ऐसी स्टेट है जिसमें लीजें हैं, अप्रूव्ड लीज हैं और अप्रूव्ड स्टोन क्रशर है, नहीं तो बाकी स्टेटों में ऐसे नहीं होता है। हिमाचल ही ऐसा पहला राज्य था जो 2012 में जिसने EIA स्टार्ट की थी, इन्वायरमेंट इंपैक्ट प्लान जो है वो स्टार्ट किया था, पहला राज्य हिमाचल। अभी भी 90% इंडिया में वो चीज़ें नहीं है, इलीगल माइनिंग पे ज़्यादा बढ़ावा है बाकी स्टेटों में। हिमाचल में 8 डिपार्टमेंटों की ज्वाइंट इंस्पेक्शन के बाद एक स्टोन क्रशर यूनिट लगता है, वो सभी विभागों के उच्च अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी, मतलब SDM लेवल के अधिकारी उस कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा एक निवेदन है कि जो हमारी ये क्रशर है इनको जल्दी से जल्दी चलाया जाए, हम पूरी स्टेट इससे प्रभावित हो रही है, जो हमारे बाकी बचे डिस्ट्रिक्ट है जो चल रहे हैं वो भी अगर इस डिसीजन को अगर रिव्यू नहीं किया गया तो हम पूरी ही स्टेट इस अपने यूनिट्स को बंद कर देंगे। मेरा मुख्यमंत्री जी से एक और निवेदन है कि जिन डिजास्टर वालों ने ये ऑर्डर निकाले हैं, क्या उन्होंने वो ऑर्डर दे रहा में जहाँ 62 घर खतरे में आ गए वहाँ पर भी कोई ऑर्डर निकाला है, या उसमें सुलह में एक कंस्टिट्यूंसी में 60 घर वहाँ पे भी निकाले थे वहाँ पे भी वो ऑर्डर निकाला है। शिमला में सैकड़ों लैंडस्लाइडिंग हुई है, मंदिर वाली स्लाइड हुई है और चक्की पुल पे जो रोड का स्लाइड हुआ उस पर भी क्या डिजास्टर टीम ने कोई काम किया है? तो ये इनका रिव्यू है, जो डिसीजन है ये बहुत गलत है। मुख्यमंत्री जी हमारे ऊर्जावान हैं, बहुत ज़्यादा यशस्वी हैं, तो हमारा उनसे निवेदन है कि इस रिव्यू को एक बार चेक किया जाए। और हमारी अभी 2 दिन पहले से माइनिंग खुल गई है, माइनिंग खुल गई है, क्रेशर बंद है, तो हमें ये बताया जाए कि हम उस माइनिंग का क्या करें। जब वो क्रेशर पे लेके जाएंगे तो उसको हम क्रश नहीं कर सकते। अगर क्रेशरों में कोई प्रॉब्लम है तो उसको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा चेक करवाया जा सकता है, ना कि उन टीमों के द्वारा जो रिटायर अधिकारी है जिनको यही नहीं पता भी करना क्या है वहाँ पे।